सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के लिए हमारे पास एक फ्लेम जेट लाइटर। लास्ट ईयर मैंने इस लाइटर की वीडियो अपलोड की थी, जिसमें मैंने इसका रिव्यू और प्राइस और टेस्टिंग के बारे में बताया था। उस वीडियो पर मैक्सिमम लोगों की कमेंट यही आई थी कि भाई इसे दोबारा से फिल कैसे करेंगे, इसे रिफिल कैसे करते हैं, इसे बता दीजिए, हमें करना नहीं आ रहा। और अभी भी उस वीडियो पर काफ़ी लोगों की मैक्सिमम कमेंट यही आते रहती हैं और मेरे चैनल पर यही कमेंट आते हैं कि भाई इसे दोबारा से रिफिल कैसे करेंगे। तो आज हम इस टॉपिक पर वीडियो बना रहे हैं कि इसे दोबारा से रिफिल कैसे करेंगे। तो चलिए अपने वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो बेसिकली सबसे पहले आपके पास तो ये लाइटर होना ही चाहिए, अगर इसे दोबारा से आपको रिफिल करना है तो। और आपको एक गैस की कैन खरीदनी पड़ेगी, ये आप ऑनलाइन या ऑफलाइन परचेस कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन परचेस करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पर जाके इसे परचेस कर सकते हैं। प्राइस का अराउंड आपको 300 या 250 तक पड़ जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये हाफ लीटर की कैन है गैस की, और इसके साथ साथ आपको एडाप्टर भी खरीदने पड़ेंगे। एडाप्टर कुछ इस टाइप के दिखते हैं, इनकी हेल्प से आप लाइटर को इजीली रिफिल कर सकते हैं। और ये हर साइज़ के आते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इनका साइज़ अलग अलग है। तो चलो मैं आपको बता देता हूँ कि इसे कैसे एडजस्ट करना है। इन एडाप्टर को यहाँ पर एडजस्ट करके आप इसको रिफिल कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इसकी गैस लीक हो रही है, तो इस एडाप्टर को हम लगाएंगे इसके गैस के कैन के ऊपर। तो चलिए हम लगाते हैं इसके गैस के कैन के ऊपर। तो मैंने इस एडाप्टर को कैन के ऊपर फिट कर दिया, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और गाइस, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो इसे रिफिल करने के लिए यूज़ होती है, वो मैक्सिमम लोग गलती यही करते हैं कि इसे ऊपर की ओर से, यानी कि इस तरीके से रिफिल करते हैं, तो ये कभी भी रिफिल नहीं होगा। मैं आपको बताता हूँ कि इसे रिफिल कैसे करेंगे। इस लाइटर को आपको बेसिकली नीचे रखना है और इसकी गैस के कैन को ऊपर रखना है, यानी कि इसे उल्टी तरीके से फिल करना है। आप वीडियो पर देख सकते हैं मैं किस तरीके से रिफिल कर रहा हूँ। तो कुछ इस तरीके से आपको इसे रिफिल करना है, तो आपकी गैस इजीली रिफिल हो जाएगी। बस इतना ही काम था और यह इजीली रिफिल हो जाएगा, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। ये मैक्सिमम लोग गलती करते हैं और मैं भी इसमें स्टार्टिंग में यही गलती कर रहा था कि इसे सीधी तरीके से भर रहा था, लेकिन इसे उल्टा करके करना है कि रॉन्ग साइड में आप मतलब उल्टी तरीके से रिफिल करेंगे तो इजीली रिफिल ये हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कीजिए लाइक एंड हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।